Hey guys, welcome back यार, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर के। और गाइस, जैसे कि आप टाइटल पढ़कर जान ही गए होंगे, ये है मैक्स लेवल कैरेक्टर वर्सेस एडम पार्ट 3। सो गाइस, पार्ट 1 और 2 में हमने काफी सारे कैरेक्टर्स के एबिलिटी हो यानी उनके स्किल्स को टेस्ट किया, जैसे कि अपना जो मैक्सिम है वो कितनी तेज मेडकिट लगा लेता है, निकिता कितनी तेज गन रिलोड कर लेती है, कैली कितनी तेज भाग लेती है, मिगुल का क्या फायदा है, मतलब और बाकी सारे कैरेक्टर्स जैसे मोको वगैरह। तो हम इन सब के जो एबिलिटी का टेस्ट है वो पहले कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाई फोर्ड की एबिलिटी का टेस्ट, कैरोलिन की एबिलिटी का टेस्ट, पालोमा की एबिलिटी का टेस्ट और साथ ही हयातो की एबिलिटी का टेस्ट। सो बिल्कुल ही ध्यान से और आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो बस यार, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मेरा नाम है डेथ रेडर, आप देख रहे हैं डेथ रेडर गेमिंग। आइए करते हैं गेमिंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिस कर दिया है, तो आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। इधर आई बटन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। और दूसरी चीज भाई यार, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो भाई वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज यार जरूर से इसे लाइक कर देना याद से, और साथ ही सारा जितना हो सके अपने इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप देखोगे भाई आगे कितनी मेहनत लगी है, काफी टाइम लग गया भाई इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए खैर, आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई फोर्ड की। तो गाइस देखो, ये फोर्ड कैरेक्टर है, आप जानते हो यार इसके स्किल्स क्या है कि ये जो सेफ जोन है, मतलब जो प्ले जोन होता है, ब्लू जोन भी कहते हैं जिसे, तो ये उससे ना थोड़ा सा कम डैमेज लेता है। तो अभी आप जैसे कि देखो इसकी एबिलिटी, हम मेरे पास अभी ये, मैं इसे क्योंकि यूज नहीं करता हूँ, इसकी एबिलिटी बस 3 लेवल की है। तो जब ये मैक्स हो जाएगा भाई, ये फिर ना 24% लेस डैमेज लेगा, मतलब कि बाकी प्लेयर्स को जितना डैमेज होगा प्ले जोन से, इसे 24% कम होगा। तो चलिए पहले तो यार इसे एक मिनट थोड़ा सा मैक्स कर लेते हैं एक एक्सपीरियंस कार्ड यूज करके, क्योंकि आप जानते हो यार ऐसे कैरेक्टर्स से मैं काफी ज्यादा खेलता नहीं हूं। तो चलिए पहले एक बार इसे एक्सपीरियंस कार्ड यूज करके इसे थोड़ा मैक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद इसे अच्छे से इसके स्किल्स को टेस्ट करेंगे। सो ये हुआ गाइस फिनिश, और इसी के साथ एक ड्रेस भी अनलॉक हो गई है। सो अब ये भाई इसके स्किल्स हो गए हैं लेवल 5 के, यानी कि अब ये जो इससे सेफ जोन से होने वाला डैमेज है वो 20% कम होगा इसे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इधर चेक करके, आप देख सकते हो भाई इधर, ये देखो इसे अपना सेफ जोन से जो होने वाला डैमेज है वो 20% कम होगा, और जब बिल्कुल ही मैक्स हो जाएगा तब 24% कम होगा। तो चलिए एक बार इसे मैच में देखते हैं, इसे कंपेयर करते हैं एडम के साथ कि कैसा, मतलब रियल मैच में कैसा लगेगा ये। सो गाइज, ये है एडम और फोर्ड, दोनों की हेल्थ हमने यहाँ पर बिल्कुल फुल रखी है। अब हम दोनों ना देखो बिल्कुल सेफ जोन के एंड पे हैं, और एकदम साथ के साथ सेफ जोन के अंदर एंटर करेंगे। तो ये जानने के लिए कि किसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है किसे कम, हम दोनों एक साथ एंटर करेंगे और ये देखेंगे कौन पहले मर जाता है। तो ये बिल्कुल पहला वाला प्ले जोन है जो बिल्कुल ही पहले आता है, तो चलिए एकदम से इसके अंदर चलते हैं दोनों। सो गाइस, दोनों प्लेयर ना प्ले जोन के बाहर चले गए हैं। मेरे को हल्का सा यार एडम जल्दी चला गया, क्योंकि आप जानते हैं दोनों मोबाइल में मैं ही खेल रहा हूँ। सो मुश्किल से यार 0.5 सेकंड पहले एडम चला गया, बट उसे चलो हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल के लिए। बट अभी आपको जो जितने डैमेज ले रहे हैं, मैं इतना आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फोर्ड की एबिलिटी जो है वो लेवल, जब पहला लेवल का प्ले जोन होता है, जो बड़ा वाला प्ले जोन रहता है, उसमें इतनी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करता है भाई, ये जो होने वाला डैमेज है उसे 20 या 24% जब मैक्स हो जाएगा तो कम लेता है। इसका मतलब अगर किसी बंदे को 100 का डैमेज हुआ है ना, तो इसे 24 का डैमेज कम होगा, बट अगर किसी को ये समझो 10 का डैमेज हुआ है तो इसे बस 2.4 का डैमेज कम होगा। सो समझ रहे हो आप। सो ये जो देखो ये वाला जो प्ले जोन है, ये सबसे पहला वाला प्ले जोन है, तो इसमें देखते हैं कि कौन पहले मरता है। सो गाइस यार, ये तो आप सभी जानते हो कि जो पहला वाला प्ले जोन है या सेफ जोन है बहुत ही कम डैमेज देता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था यार, मैंने इसलिए वीडियो को स्किप कर दिया था कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे दोनों प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, फोर्ड की हेल्थ रेड हो गई है और अपना एडम अभी तक टिका हुआ है, बट देखते हैं कौन पहले मरता है और कितनी देर बाद मरता है इसके में फोर्ड। सो अभी देखते हैं हम, अभी देखो भाई बहुत ही कम हेल्थ बची है फोर्ड की। ओके, अभी भी टिका हुआ है भाई एडम, क्या बात है, और गया, और ये भाई फोर्ड भी गया। सो देखा आपने भाई, एडम के मरने के बाद लगभग 3 या 4 सेकंड बाद फोर्ड मरा, मतलब एडम जो है वो 3 या 4 सेकंड पहले ही मर गया। तो भाई अब आपको क्लियर अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई फोर्ड की एबिलिटी काम की तो है, बट एक बार ज़रा हम जो लास्ट के प्ले जोन होते हैं, कुछ कुछ जो प्ले जोन ज़्यादा डैमेज देते हैं, थोड़ा उनमें भी देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर आने वाला है हमें। वैसे यहाँ पर आपने अंतर देख ही लिया होगा, काफ़ी अंतर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल गया, लगभग यार 3 या 4 सेकंड का अंतर था। तो चलो यार, कुछ लास्ट के जो प्ले जोन होते हैं वहाँ पर ट्राई करते हैं हम इसे। तो गाइस अब इस वाले प्ले जोन को देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है, तो मतलब ये जो होने वाला डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आप इधर ना साइड में देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है प्ले जोन, तो डैमेज भी बहुत होगा। इधर आप देखना, यहाँ पे एडम की हेल्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, और पोर्ट की हेल्थ भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, ताकि आपको बेटर आइडिया लगे कि कौन कितनी देर बाद मरा कितनी जल्दी। सो भाई सेफ जोन ने डैमेज देना शुरू कर दिया, दोनों बहुत ही तेज तेज झटके ले रहे हैं, दोनों की गर्दनें पीछे जा रही हैं। चलिए थोड़ा डांस करते हैं ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट सा हो जाए। एडम भाई मोड दिखा दे तू भी कुछ। सो गाइस एक मिनट में जरा एडम से मोड दिखाता हूँ, ये लो आपको दोनों कैरेक्टर से मोड दिखाता हूँ। सो गाइस ध्यान से देखो, अब दिल बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, मर गया। ओके, ओ भाई क्या बात,
ओ भाई साहब, गाइस देखा आपने कितनी देर लगी भाई, मतलब यार इतने जो मतलब इतना हैवी प्ले जोन था, इतना लास्ट का प्ले जोन था, उसके बाद भी भाई फोर्ड काफ़ी देर तक सर्वाइव कर गया एडम के कंपैरिजन में। तो भाई इसकी एबिलिटी सही में यार बहुत ही काम की, और अभी तो लेवल 5 की है गाइस, जब लेवल 6 की हो जाएगी तो और भी ज़्यादा आतंक मचाएगा। एक बार गाइस आप स्लो मोशन में उड़ देखो। सो गाइस स्लो मोशन देखने के बाद आपको तो साफ साफ पता ही चल गया होगा कि फोर्ड कितनी देर बाद मरा। एक बार आप दोबारा से देखो, ये भाई रियल टाइम है बिना स्लो मोशन के। यहाँ भी देखो भाई, ये देखो गाइस, मतलब यार बिना स्लो मोशन के भी साफ यार आंखों से दिखाई दे रहा है। इसे तो स्लो मोशन इफेक्ट की भी जरूरत नहीं है, बड़े आराम से जज कर पाओगे कि फोर्ड कितनी देर बाद मरा। तो यार सही में फोर्ड बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है यार, अगर आप चाहते हो तो यार जल्दी से बाय कर लो, ये तो गोल्ड में मिलता है, और जल्दी से मैक्स करना शुरू कर दो। तो चलते गाइस बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ और बात करते हैं गाइस पलोमा के बारे में। सो गाइस ये पलोमा कैरेक्टर, तो जिन बंदों को इसके बारे में नहीं पता है इसके स्किल्स के बारे में मैं बता देता हूँ। इसके स्किल्स ये है कि भाई एक्स्ट्रा एआरएमओ कैरी करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी फिलहाल लेवल 4 की स्किल्स हैं इसकी, तो यानी कि मैं 120 एआरएमओ ज़्यादा कैरी कर सकता हूँ, जिनका स्पेस बैग में यानी इन्वेंट्री में काउंट नहीं होगा। और जब ये मैक्स हो जाएगी इसकी स्किल्स, तो भाई हो जाएंगे 180 एआरएमओ एक्स्ट्रा। मतलब एक तरीके से यार जो आपका जितना भी एआरएमओ कैरी करते हो, नॉर्मली यूजुअली बंदे यार 180 एआरएमओ ही कैरी करते हैं, तो यार वो आपके बैग में काउंट नहीं होगा। तो ये भी बहुत ही सही फीचर है। तो इसे अभी हम कंपेयर करते हैं एडम से। तो आप देख सकते हो भाई ये है मेरे पास एडम, और गाइस आप देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री फिल हो गई है। मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी बैग नहीं है, बस एक पैंथर रहेगा, वो हम दोनों केस में कैरी करेंगे। पालोमा के साथ भी पैंथर रखेंगे और इसके साथ भी, ताकि क्लैश हो जाए, मैं पैंथर हटाना भूल गया था। तो अभी आप देख सकते हो भाई मेरे पास कोई बैग नहीं है, और मैं एक एआरएमओ, बस एक एआरएमओ, मतलब कुछ भी नहीं उठा पाऊंगा जब अगर बैग फिल हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं एआरएमओ नहीं उठा पा रहा, मेरा बैग 100% फिल हो गया है, और जबकि सिर्फ एक एआरएमओ, और ये भाई बिल्कुल नहीं उठा पा रहा। बट गाइस देखते हैं पालोमा के केस में क्या होता है। तो गाइज ये पलोमा, आप देख सकते हो यहाँ भी हमारी इन्फेंट्री 100% फिल हो गई है, पता नहीं बैग में मैंने अबाड़ कबाड़ भर लिया है बिल्कुल। तो आप देखो, बट यहाँ पर जब मैं एआरएमओ उठाता हूँ तो क्या होता है, ये देखो मेरा बैग 100% फिल है भाई, उसके बाद भी मैंने 120 एआरएमओ उठा ली। तो यहाँ एक चीज़ गाइज नोट करना कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा एआरएमओ उठा सकते हो, एसएमजी नहीं। बट बात यार वही पड़ जाएगी, आपका बैग ना देखना एक्स्ट्रा कैरी कर पाएगा एक तरीके से। तो यार यहाँ ध्यान से देखो भाई, बैग मेरा 100% फिल है, फिर भी मैंने यार एक्स्ट्रा एआरएमओ उठा ली। बट एक चीज़ और है यार, अभी मेरी लेवल 4 की एबिलिटी है, इस वजह से यार मैं सिर्फ 120 उठा पा रहा हूँ। जब ये लेवल 6 की हो जाएगी तो भाई 180 एआरएमओ एक्स्ट्रा कैरी कर पाओगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब सपोज करो यार आप नॉर्मली मैच में 180 एआरएमओ लेते हो और 180 एसएमजी लेते हो और बाकी मेडकिट वगैरह ये सब लेते हो, और इतने में आपका बैग फिल हो जाता है। बट यार जब आपकी जो एआरएमओ है उसका जो स्पेस है 180 एआरएमओ बैग में रखोगे वो काउंट ही नहीं होगा। तो यानी 180 एआरएमओ की जगह में आप कुछ और एक्स्ट्रा रख सकते हो, मेडकिट रख सकते हो, और ज़्यादा एसएमजी रख सकते हो, या एआरई और ज़्यादा रख लेना, या फिर ग्लूवॉल कुछ भी रख सकते हो। तो बहुत ही काम की एबिलिटी है भाई पालोमा की भी। तो जल्दी जाओ भाई इसे परचेज करो पालोमा को, और मैक्स करना शुरू करो। सो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर के बारे में, जो कि है भाई कैरोलिन। तो भाई इसके स्किल्स मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इसके स्किल्स क्या हैं। सो गाइज कैरोलिन के स्किल ये हैं कि जब आप शॉटगन यूज़ करोगे, तो शॉटगन यूज़ करते हुए जो आपकी मूवमेंट स्पीड होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये ऐसे समझो, आप जैसे आप सपोज करो M249 या M60 आप उठाना, उसे शूट करते करते मूव करके देखना, आप देखोगे कि आपका प्लेयर बहुत धीरे धीरे खिसक रहा है। बट वहीं पे भाई आप MP40 लेना या AK लेना और उसे शूट करते करते मूव करके देखना, आप देखोगे भाई आपका प्लेयर बिल्कुल बंदर की तरह इधर उधर उछल सकता है, बहुत ही अच्छी मतलब मूवमेंट स्पीड आ जाएगी। सो यही काम आपका जब शॉटगन यूज़ करोगे तो कैरोलिन के साथ होगा। बंदर की तरह उछलने का पता नहीं, बट भाई थोड़ी सी जो है मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप शॉटगन यूज़ करो एडम लेके, उसे शॉटगन को चलाओ और मूव करके देखो, फिर कैरोलिन को यूज़ करो और शॉटगन चलाते हुए मूव करके देखो, तो आप क्या देखोगे कि भाई आप थोड़ा सा फास्ट हुई मूव कर पा रहे हो कैरोलिन के साथ। तो एक बार इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं भाई बिल्कुल साइड बाय साइड एडम के साथ। सो गाइज ये है कैरोलिन। तो पहले तो यार इसको थोड़ा लेवल अप कर देते हैं एक एक्सपीरियंस कार्ड यूज़ करके। तो जल्दी से मैंने इसे कर दिया भाई इसके स्किल्स को लेवल 4 का, क्योंकि मैं यार ज़्यादा शॉटगन चलाता नहीं हूँ, इस वजह से इसके स्किल्स काफ़ी कम थे। तो बट फिलहाल भाई अभी इसके स्किल्स हो गए हैं भाई लेवल 4 के, तो जब मैक्स हो जाएंगे तब इसको मूवमेंट स्पीड इंक्रीज मिलेगी 8, और अभी फिलहाल हमें 6% ज़्यादा इंक्रीज स्पीड मिलेगी। तो चलो भाई इसे टेस्ट करके देखते हैं यार अब। सो गाइस यहाँ पे है एडम और कैरोलिन, तो मैं आपको टेस्ट बताता हूँ टेस्ट किस तरीके से करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे दोनों प्लेयर बिल्कुल बराबरी पे खड़े हैं, एक ही स्टार्टिंग लाइन है, दोनों पे सेम शॉटगन है M1014, और दोनों बिल्कुल सेम समय पे शूट करते हुए आगे मूव करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा आगे निकल जाता है या जल्दी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हम जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। ये देखो भाई, सो दिखा गाइज आपको कुछ अंतर, कैरोलिन थोड़ा सा जल्दी आगे निकल गई। और ये अगर आपको गाइज याद हो, जब हमने कैली के साथ टेस्ट किया था कैली और एडम के स्किल्स को, तो कैली बिल्कुल शुरू में ही मतलब एडम से आगे निकल जाती थी, मतलब एक तरीके से लीड ले लेती थी बिल्कुल स्टार्ट होते ही रेस। तो बिल्कुल इस केस में भी गाइज ऐसा ही हुआ, आप इसे एक बार स्लो मोशन में देखो, जैसे ही हमने शूट करना स्टार्ट किया कैरोलिन ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इसे लीड ले ली, और उसके बाद एडम को आगे आने ही नहीं दिया। सो कैरोलिन के स्किल्स भी डेफिनेटली थोड़े काम के हैं, बट इतना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी इसके स्किल्स सिर्फ
लेवल 4 के हैं, तो गाइज जब इसके स्किल मैक्स हो जाएंगे तो आपको और ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। सो ये था गाइज स्किल टेस्ट कैरोलिन का। तो बात करते हैं गाइज आज के लास्ट कैरेक्टर के बारे में जो कि है हायातो। सो गाइज हायातो का स्किल टेस्ट भी भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई आप ज़रा ध्यान से समझो कि इसकी जो स्किल्स हैं वो हैं क्या एक्चुअली। सो गाइज जब इसकी हेल्थ ना मैक्सिमम हेल्थ की 10% कम होती है, यानी कि अगर आपका नॉर्मल प्लेयर है एंटोनियो नहीं है तो आपकी मैक्सिमम हेल्थ कितनी होगी भाई 200। तो अगर आपकी 200 का 10% यानी कि भाई हो गया 20, तो अगर आपकी 20 हेल्थ कम होगी यानी कि आपकी 180 या उससे नीचे हेल्थ होगी, 180 से नीचे हेल्थ होगी, उसके बाद भाई जो हायातो है वो जो सामने वाले बंदा है उसकी जो वेस्ट पे पेनिट्रेशन होगा वो ज़्यादा करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, मतलब कि जो वेस्ट को एक तरीके से हिंदी में बोलूं तो कुछ भेदने की क्षमता थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा ज्यादा डैमेज देगा, बिल्कुल सरल भाषा में अगर बोलूं तो थोड़ा सा ज्यादा डैमेज देगा। तो भाई सबसे पहले तो देखते हैं यार हायातो हमारे पास कितने लेवल का है। सो क्या बात है गाइस लेवल 1 का यार हायातो। तो यार अब मैंने कल ही परचेज किया था इस वजह से, तो जल्दी से भाई पहले एक एक्सपीरियंस कार्ड यानी लेवल अप कार्ड यूज़ कर लेते हैं और कर देते हैं इसके स्किल्स को जल्दी से 4 का। सो गाइस अब हमारे हायातो का स्किल हो गया भाई लेवल 4 का। तो लेवल 4 का स्किल होने के बाद भाई ये 9% ज़्यादा इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन करेगा वेस्ट पे, और जब भाई मैक्स हो जाएगी इसकी स्किल्स लेवल 6 की तब भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तब 10% होगा। तो मतलब हम लेवल 4 के स्किल्स के साथ भी अच्छा खासा इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट में बताता हूँ आपको टेस्ट में होने क्या वाला है। सो गाइस टेस्ट में क्या होगा, पहले मैं अपने कैरेक्टर लूंगा हायातो, सामने वाले बंदे को हम देंगे भाई लेवल 2 की वेस्ट, दोनों बंदों को लेवल 2 की वेस्ट मिलेगी सामने, और फिर उसके बाद सेम गन होगी भाई CG-15। तो मैं पहले एडम लूंगा सामने बंदा, उसको लेवल 2 की वेस्ट बनाऊंगा, फिर फुल पावर में CG-15 का एक शॉट उसके चेस्ट पे मारूंगा और देखेंगे डैमेज कितना आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा दूसरा और बिल्कुल नई लेवल 2 की वेस्ट लूंगा, और उसके बाद सामने एडम मुझ पे सेम CG-15 से फुल पावर में एक शॉट मारेगा और देखेंगे कितना डैमेज हुआ है। तो जल्दी आओ यार ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे गाइज है हमारे पास दो बिल्कुल नई लेवल 2 की वेस्ट आप देख सकते हो। तो अब एडम ने वो पहन लिया, अब मैं उसे CG-15 का एक फुल पावर शॉट मारूंगा और मेरी हेल्थ भी देख सकते हो आप 180 आएगी, यानी मैक्सिमम हेल्थ की 10% कम हो चुकी है। सो ये मैंने भाई एडम की चेस्ट पे मारा फुल शॉट भाई साहब CG-15 की फुल पावर शॉट, 98 का डैमेज आया। अब हम क्या करेंगे गाइज, मैं एक नई लेवल 2 की वेस्ट लूंगा, वो जो दूसरा वाला एडम खड़ा है ना साइड में, मैं उससे एक नई लेवल 2 की वेस्ट ले लूंगा, फिर उसको CG-15 में अपनी गन दे देता हूं, और उसके बाद वो मेरी बॉडी पे फुल शॉट मतलब फुल पावर में CG-15 का एक बॉडी शॉट मारेगा। तो पहले मैंने देखो गाइस मेडकिट लगा ली, अपनी हेल्थ फुल कर ली है ताकि बिल्कुल फेयर गेम प्ले लगे। तो देखो भाई मैंने इसे ओके इसने मुझे वेस्ट भी दे दी है भाई अपनी, तो जल्दी से वेस्ट पहन लेते हैं और आप देखो मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है। एक मिनट से CG-15 ओढ़ दे देते हैं भाई, ये रुको, ये लो गाइस हमने इसे CG-15 गन भी दे दी है, और अब मैं भी वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ जहाँ पर भाई अपना एडम खड़ा था। एक मिनट गाइस यहाँ पर खड़े हो जाते हैं फिर से, ये लो, और अब देखते हैं भाई ये मेरी चेस्ट पे शॉट मारेगा भाई फुल पावर में एक शॉट, देखते हैं मुझे कितना डैमेज आएगा। सो भाई इसने निशाना बनाया ढट, देखा गाइस आपने, अगर आपको नहीं दिख रहा तो भाई यहाँ देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ भाई, मुझे हुआ है 90 का डैमेज, यानी कि जो हायातो ने डैमेज दिया था 98 का दिया था और भाई साहब एडम ने दिया 90 का डैमेज। और गाइज एक चीज़, इसके स्किल्स हैं भाई अभी लेवल 4 के, तो भाई 90 का 9% कुछ 8 के करीब ही बैठेगा, वही 98 का डैमेज आया इसीलिए। बट जब इसके स्किल्स हो जाएंगे भाई लेवल 6 के यानी मैक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद भाई ये क्या 10% यानी वही 90 का 10% 99 यानी कि मतलब 99 का डैमेज दे देता, अभी 98 का दिया तब 98 का दे देगा जब मैक्स हो जाएगा। तो आपने देखा और आप समझ गए होगे कि हायातो के स्किल्स कैसे हैं और कैसे इसे यूज़ कर सकते हो, कितना काम का प्लेयर है ये। बट एक चीज़ गाइज आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई इस बंदे के स्किल्स को यूज़ करने के लिए आपकी जो मैक्सिमम हेल्थ है वो 10% से कम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी 200 हेल्थ है तो 180 है उससे कम होनी चाहिए, तभी इसके स्किल्स वर्क करेंगे। सो अगर आप एंटोनियो यूज़ करते हो तो आपको उसका 10% कैलकुलेट करना कि आपके एंटोनियो की हेल्थ कितनी है और उतनी हेल्थ कम करवा के रखना, तब इसके स्किल्स यूज़ होंगे। तो ये यार ये एक तरीके से फ़ायदा तो है ही और नुकसान भी है। नुकसान इसमें यह है, सपोज़ करो बराबरी की फाइट है, दोनों बंदे हैं सेम डिस्टेंस पे खड़े हैं, दोनों पे MP40 की सेम स्किन है या स्किन नहीं है, जो भी है बिल्कुल सेम गन है, तो जब वो दोनों बिल्कुल सीधी सीधी गोली चलाएंगे तो यार हो सकता है आप पहले मर जाओ या हो सकता है वो बंदा पहले मर जाए, क्योंकि आपकी हेल्थ तो भाई 20 कम रहेगी शुरू में यानी 10% कम रहेगी, बट उस बंदे को आप थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा दोगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब काफ़ी सही है यार ये कैरेक्टर भी, अगर आप चाहो तो ले सकते हो भाई, डायमंड का कैरेक्टर है। और बस यार यही सप्ताह आज की वीडियो में गाइज आप देखा होगा यार आपने कितनी ज़्यादा मेहनत लगी, तो गाइज जल्दी से यार अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए लाइक दे दो, मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक दे दो, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन सब कैरेक्टर के स्किल्स कैसे लगे, नेक्स्ट पार्ट में आप किन कैरेक्टर्स के स्किल्स देखना चाहोगे, और जितना हो सके यार इस वीडियो को भाई शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई सही में वीडियो बनाने में। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और इन्जॉय करो गेम प्ले। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।